हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनाक्षन बाबू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह आज के भी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों, हम लोग सिलचार गुवाहाटी हाफलॉग रोड में एक नया टनल बना है दोस्तों, माहौर माईबुंग के बीच में। काफी शानदार नजारा देखने को मिलेगा दोस्तों, और पहली बार मैं भी ऐसा टनल के अंदर में एंजॉय किया हूँ। तो बने रहे दोस्तों मेरा साथ, मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को। यहाँ से दोस्तों लामडिंग 88 किलोमीटर, नौगांव 179 किलोमीटर, गुवाहाटी 299 किलोमीटर। तो यहाँ से एक छोटा सा शॉट ले रहा हूँ दोस्तों। यह हमारे सामने में आगे एक टनल है, और इस टनल का व्यू लेने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक शॉट ले रहा हूँ। मेरे साथ इस टनल को देखने के लिए, और कितना लंबा है क्या है मेरे को कुछ जानकारी नहीं है उसके बारे में। आज मैं फर्स्ट टाइम दोस्तों इस टनल के अंदर में एंट्री करने वाला हूँ, तो आइए देखते हैं। और टनल पहुँचने से पहले यह आसपास में कुछ इस तरह से होटल्स दुकान वगैरह वगैरह मिल जाता है हमें। यह रहा आसपास का नज़ारा, और फाइनली दोस्तों हमारे सामने अभी टनल आ चुका है। आइए उस टनल का नज़ारा कराता हूँ आप लोगों को। और ये इस साइड का व्यू दोस्तों, इतना खूबसूरत व्यू। आइए टनल के अंदर में हम लोग एंट्री हो रहे हैं दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वाह, लगता है काफ़ी लंबा टनल होगा ये दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। वाह, सो ब्यूटीफुल दोस्तों। आज पहले बार दोस्तों मैं इस टनल के अंदर में एंट्री किया हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। और मेरा फर्स्ट टाइम ही है दोस्तों ऐसा टनल के अंदर में। कैसे फीलिंग क्या हो रहा है कैसे बताओ आप लोगों को, ये बस आप लोग खुद जब सफ़र करोगे यहाँ से तब आप लोगों को पता चलेगा दोस्तों। ओहो, आई लव यू। वाह, आवाज़ भी बहुत बढ़िया निकलते हैं यार, काफ़ी इकोसिस्टम आवाज़ है। और यहाँ से एक बार मेरे पीछे के ओर का नज़ारा देखने का कोशिश करूँगा कैसा लगता है। ये मेरे पीछे साइड से गाड़ी आ रहा है, और इसका आवाज़ लेते हुए हम लोग फिर से बढ़ते हैं आगे की ओर। और लगता है दोस्तों फाइनली टनल हमारे सामने ख़त्म होने ही वाले हैं। और दूर हवा से दोस्तों लगता है बाहर से धूल मिट्टी आ रहा है, घूर रहा है अंदर पे। तो इसके अंदर में जाने से दोस्तों आप लोग हेलमेट मास्क पूरा सेफ्टी के साथ ही जाना है। ये रहा दोस्तों टनल ख़त्म होने वाला है ये, और ये बाहर का नज़ारा। कुछ देर के लिए दोस्तों मैं भूल ही गया था पूरे दुनिया को इस टनल के अंदर में आके, काफ़ी अच्छा फीलिंग दिया इसमें। और टनल से बाहर निकलने के बाद कैसा नज़ारा देखने को मिलता है ये देखता हूँ। गला सूख गया दोस्तों, पानी पीना पड़ेगा थोड़ा सा। और टनल से बाहर निकलने के बाद कुछ इस तरह से नज़ारा। आइए यहाँ से एक बार पीछे की ओर मुड़ के आप लोगों को टनल का नज़ारा इस साइड से भी कराता हूँ। ये रहा दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।